तो भी जीएसटी के पैसे कोई लेना तैयार नहीं है, हम कैसे वोट देंगे? वोट नहीं देना है, नहीं देने का। यहाँ देखिए ग्राउंड जीरो हम लोग इसलिए घूमते हैं, ये सारी खबरें बताने से हमें भी कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा, लेकिन हम ग्राउंड जीरो इसलिए बताते हैं कि जनता का दर्द क्या है, जनता के दिलों के अंदर की जो बात है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देश नहीं चलता है, जाहिरातों के माध्यम से अगर देश चलता तो ये आवाम आज यहाँ पर दुखी नहीं होती। दुधेश्वर के विस्तार के हमने जिन लोगों से बात की, 69 ईयर्स ओल्ड ये अंकल को हमने देखा, बीए विथ इंग्लिश किया हुआ है, फिर भी ऑटो चलाना पड़ता है, लांच रिश्वत की वजह से इन्हें कहीं जॉब नहीं मिला है। ये दर्द कहीं ना कहीं गुजरात की आवाम में इनका कहना ये भी है कि मेरे जैसे कहीं मिल जाएंगे आपको, मैं तो सिर्फ एक मिला हूँ, कहीं लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। और भी जनता है यहाँ से, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहोगे, आपके विस्तार के विधायक को कभी देखा है आपने? भाई हमने 5 साल में एक बार देखा है, बाकी तो देखा नहीं है। क्या नाम है विधायक का जानते हो? ग्यासुद्दीन शेख। 5 साल में एक ही बार देखा? हाँ एक ही बार देखा भाई, और कभी आए नहीं हो? और 5 साल में तो आए नहीं है। अब तक समाचार की टीम अहमदाबाद के दुधेश्वर विस्तार में पहुंची है, जहां पर जो है दरियापुर विधानसभा का मत विस्तार यहां पर लगता है। इन लोगों से यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या उनके विधायक को जानते भी हैं, या कभी उनसे मिलने या चक्कर लगाने विस्तार में आए हैं या नहीं आए हैं। क्या कहोगे, आपके विस्तार के विधायक को कभी देखा है आपने? भाई हमने 5 साल में एक बार देखा है, बाकी तो देखा नहीं है। क्या नाम है विधायक का जानते हो? ग्यासुद्दीन शेख। 5 साल में एक ही बार देखा? हाँ एक ही बार देखा भाई, और कभी आए नहीं हो? और 5 साल में तो आए नहीं है। क्या होगा, आप लोग क्या चाहते हो? अब हम लोग ये चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी हो, कोई दूसरी सरकार हो, वो आवे तो ये जो पुरानी सरकार है उसका रिजल्ट मालूम पड़े, और ये जनता जो है गरीब जनता वो परेशान है, महंगाई से, काम से, छुटक से, हर चीज़ों से परेशान है। पैसे वाले हैं वो तो भर के रख लेते हैं, गरीब मजदूर मजूरी करती है, मजदूरी करके आई करियाने की दुकान पे सामान खरीदा, एक दिन की मजदूरी कमाओ एक दिन खाओ, ऐसा होता है। और फिर क्या कहते हैं जो पे, और ये क्या है, ये सरकार लोगों को डरा धमका के रखती है, अगर रैली निकाली तो डाल दो पुलिस के अंदर, चौकी के अंदर गांड पे डंडे मारो, उसको उठा लो, खोटा इल्ज़ाम लगा के बंद कर दो, खोटे केस में डाल दो, ऐसे। और इसके 10 दरवाजे हैं, एक रोने का दरवाज़ा है, एक हंसने का दरवाज़ा है, एक मायूसी होने का दरवाज़ा है, एक क्या कहते हैं आँख दिखाने का दरवाज़ा है, अलग अलग दरवाजे हैं इसके। क्या तो इंसान क्या है, इसको बोलते बहुरुपिया सरकार, बहुरुपिया सरकार बोलते, हर रूप बदलता है, हर रूप बदलता है इसके, जैसे वो गिरगिट रंग बदलता है, अगर वो ऐसा है तो उसके सामने ऐसा, वो है तो उसके सामने ऐसा, इस तरीके से रंग बदलता है। इसलिए इसको रंग बदलता है, इसको किसी इसको पर पब्लिक, हर कोई पब्लिक नहीं है भाई, यहाँ तो सब खरीदे हुए हैं, बिके हुए हैं। अगर क्या है कि अगर नहीं करोगे हो जाएगी, सो की सीधी बात, डंडे वाली होती है, इसलिए कोई आगे पढ़ता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, बोले भाई जैसा सबका चलता है ऐसा अपना भी चलता है। वो दूर रोटी खाता था, मन नमक रोटी खाएंगे, मिर्ची रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, एक नहीं तो अर्धी रोटी खाएंगे, खाएंगे तो घर ही, वो काम ही नहीं किया अभी, डंडे खाने वाली बात, दंड हमको ये माहौल देखकर, ये जनता का माहौल देखकर, काम धंधे का देखकर, रोजगार देखकर, ये माहौल के हिसाब से दर्द होता है कि कोई धंधा रोजगार नहीं है, धंधा रोजगार का कोई ठिकाना, जो धंधा रोजगार थे वो सब कंपनियां बंद करवा दी, बंद कर दी, क्योंकि इनको जो था इनके घर का पैसा ज़्यादा था, कंपनियों का पैसा नहीं ज़्यादा था, इसके लिए इन लोग ने बंद कर दिया। इस बार जो है दरियापुर से आपको जो 3 विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो है उसके साथ साथ, हमको तो ऐसा है, हमको तो और AIMIM है, हमको तो देखो चाहे केजरीवाल सरकार हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या MIM हो, हमको तो क्या है कि जो जनता के हित के लिए हो वो सरकार चाहिए, कि गरीब जनता का हित रखे। गैस का देखो अभी तक 500 रुपया होना चाहिए, 500 के रुपये बाटला नहीं जाना चाहिए, वहाँ 1000 के रुपये बाटला चल रहा है, कभी इतने सालों में नहीं गया है, रिकॉर्ड है। आज से तुम सर्वे कर लो 30 सालों का, करियानों का लेके हर चीज़ों का सर्वे कर लो, कितना सर्वे, कितना भाव चढ़ा उतरा है, उसको कोई मीडिया वाला के कोई न्यूज वाला उसको बताता नहीं है, समझता नहीं है, क्या कितने महंगाई बढ़ी, यहाँ तक लिया, यहाँ तक दिया, इस तरीके से है। इसमें क्या है कि गरीब जनता है वो ये सब करने जाएगी कि वो अपने पेट पालने के लिए मजदूरी करेगी,
इसके लिए वो ध्यान देती नहीं है, इस पर ध्यान देती है वही जो सुखी आदमी है, पैसे वाले हैं वही है, पैसे वाले हैं उन्हें पूरा अपना साल का भरदा पूरा भर दिया उनको रिया दूध साग भाजी का और भाव तो उनको कोई नर्दा नहीं है। बदलाव तो होना ही चाहिए, क्यों क्यों होना चाहिए कि जो जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, क्या जहाँ 500-400 का गैस मिलना चाहता था उसका 1000 रुपया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट। तो अगर ये अगर फिर बीजेपी आई किसी तरह धाक धमकी से ऐसे वैसे कोई भी बहाने से, तो ये जो 2000-1100 की वाला है ना 1500 तक गैस जाने वाला है ये समझ लो। अच्छा। हाँ ये रेट माइनस होने नहीं होएगा। हाँ बाय चांस अभी कोई लीडर बदला जाए, आप पार्टी वाला आ जाए कांग्रेस वाला आ जाए, जनता की हमदर्दी चाहता हो क्या, तो वो शायद कम कर ले, लेकिन वो नहीं करेगा क्या, बीजेपी वाला तो नहीं करेगा इसकी गारंटी है क्या। भाईजान को कैसे देख रहे हैं आप, ओवैसी भी इस बार मैदान में है। भाईजान तो अच्छे आदमी है बोलने चलने में क्या, लेकिन उनका जो वो प्रचार है ना क्या, वो प्रचार बहुत कम है, कम है। इसकी वजह से जहाँ जहाँ मुस्लिम एरिया है ना वहाँ वहाँ ठीक ठीक है, हाँ चले ना चले, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले भी इंक्रीज होते हैं उसके अंदर बढ़ते हैं क्या, क्योंकि बीजेपी है भाजपा है कांग्रेस है फिर आप पार्टी है फिर EIDMK है, तो ऐसा डिवाइड होता है ना, वोटिंग डिवाइड होता है, तो ऐसा सब है। आई बात समझ में। कितना पढ़े हो आप? मैं BA विथ इंग्लिश हूँ। BA विथ इंग्लिश। और रोजगार नहीं है? रोजगार में बस यह है अपना रिक्शा चला। हाँ तो इतना पढ़ाई करके आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? उसमें मेरे को क्या शर्म आती है? शर्म की बात थोड़ी है। नहीं है शर्म की, गर्व की बात है, खुशी की बात है। आप रोजगार करते हो, मेहनत का कमाते हो, पर कहने का मतलब कि इतना पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब नहीं मिली कहीं? जॉब नहीं मिली तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट है ना उसके अंदर लांच चल रही है, लांच करप्शन करप्शन। हाँ क्या, तो करप्शन की वजह से क्या तुम जल्दी सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। अच्छा। क्या जॉब के अंदर अगर तुम्हारे पास एग्जांपल में तो बहुत देने के लिए बहुत मिल सकते हैं क्या, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है कुछ दे दो कुटकी, हाँ तो तुम्हारा काम हो जाए। अच्छा। क्या अभी मेरी 67 ईयर ओल्ड आई एम, समझ गए, तो ऐसी सब बात है। तो अभी मुझे कोई उसकी लालच भी नहीं है और जॉब का भी कोई हाँ गिला सिखवा भी नहीं है क्या। यहाँ देखिए ग्राउंड जीरो हम लोग इसलिए घूमते हैं, ये सारी खबरें बताने से हमें भी कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा, लेकिन हम ग्राउंड जीरो इसलिए बताते हैं कि जनता का दर्द क्या है, जनता के दिलों के अंदर की जो बात है, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देश नहीं चलता है, जाहिरातों के माध्यम से अगर देश चलता तो ये आवाम आज यहाँ पर दुखी नहीं होती। दूधेश्वर के विस्तार के हमने जो लोगों से बात की, 69 इयर्स ओल्ड ये अंकल को हमने देखा, BA विथ इंग्लिश किया हुआ है फिर भी ऑटो चलाना पड़ता है, लांच रिश्वत की वजह से इन्हें कहीं जॉब नहीं मिला है, ये दर्द कहीं ना कहीं गुजरात की आवाम में इनका कहना ये भी है कि मेरे जैसे कहीं मिल जाएंगे आपको, मैं तो सिर्फ एक मिला हूँ, कहीं लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। और भी जनता है यहाँ से, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ एक बड़ा सा चौराहा लगा है, बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं और काफ़ी चुनाव देखे इन्होंने, तो इनको काफ़ी नॉलेज भी होगा चुनाव के लिए कि चुनाव में अब तक जो होता रहा है गुजरात के अंदर अहमदाबाद। इनको ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वोट तोड़ेगी। हाँ बाकी इतना सरकार इतना बनेगा इतना मेरे को नहीं लगता, क्योंकि भाजपा वाले है ना उनका तो चीटिंग चालू ही है, भाजपा का चीटिंग चालू। हाँ क्योंकि मशीनरी में चीटिंग ही है, EVM मशीनरी में जो मशीनरी इसमें चीटिंग ही है, ये तो हमको मालूम है, तो कुछ पब्लिक क्या कर पाएगी, कुछ नहीं, पब्लिक को तो खाली वोटिंग करो मजा करो। अच्छा। हाँ ऐसे ही है, आपने तो मैं आम आदमी को डाला वोट तो 4 वोट आम उसको जाएगा, 1 वोट आम आदमी को जाएगा, ऐसा सेटिंग किया हुआ है इसके अंदर, तो फिर क्या होने वाला है कुछ।
तो ये तो तमाम पार्टी के लीडरान को मिल के सारी कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर कंप्लेंट करेंगे तो कहाँ सुनते हैं, कौन सुनने वाले हैं? ये इसके अंदर ईवीएम के अंदर से बाहर आते थे पेपर दे, वो ये यूट्यूब देखता हूँ। बाहर जैसे आए थे ये भाजपा वालों ने उनको पूछा कि इसके अंदर छेड़े गए तो कैसे होंगे, तो बोले कि इस तरह करेंगे तो हो जाएगा। उसमें से 11 जनों को मारा। ये कब की बात है? ये यूट्यूब के अंदर आता रहता है इलेक्शन पे। अच्छा अब मैं बोलूँ कि मोदी बोलता है सच बोलता है, कैसे बोलता है? जनधन खाता खुला लो 15 लाख रुपये आ जाएगा सबको आ गया। एक मिनट बात सुनते जाओ, ब्लैक नाला बहुत हो गया है, आतंकवाद रुक जाएगा। नोट बंदी कर दी, ना तो नोट छपी थी और ना डाई बंदी थी एटीएम ने। अब क्या हुआ कि ये जो अपने रिजेक्ट हो जाती है नोटें कुछ साल के बाद, वो पड़ी थी तो वो नोटें इसने 2000 दी। कितने के काम रखड़ गए, कितने इंसान मर गए उसके अंदर, कितने के शादी ब्याह खराब हो गए बाद में 2000। अब जिसका खर्चा 10-15 हज़ार चलता था, वो 8 हज़ार लेने के लिए 4 दिन नौकरी पे से घर रहे जब उसको 8 हज़ार मिले। अच्छा एक सवाल और है, आम आदमी पार्टी शायद आ भी गई तो क्या उसने जो वादा किया है उसमें क्या पूरा होगा या नहीं, ये हमको कुछ समझ नहीं है। अगर वो तो बोल रहे हैं हमने दिल्ली में किया तो गुजरात में क्यों नहीं करेंगे, पंजाब में कर रहे हैं वो लोग, पंजाब में किया, सूरत में भी कर रहे हैं, वो बात सही है, मगर यहाँ अपना अहमदाबाद या गुजरात के अंदर होगा पूरा या नहीं, ये तो हमको करना है। फिर 5 साल बाद आप लोगों को मौका मिलेगा, बदल देना। पर आगे इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो महंगवारी है वो ये जो काम करेंगे तो महंगवारी में कम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का आदमी ज़्यादा है बराबर है। मध्यम वर्ग जो गरीब है वो तो भीख भी मांग सकते हैं, मध्यम वर्ग वाले ना मांग सकते हैं ना इसके पास पैसा है। तेल 150 रुपये तेल है, कौन खाएगा, कैसे खाएगा, वो हालत है। ये मैनिफेस्टो हम आपको बता दें कि तमाम पार्टी जो भी मैनिफेस्टो करती रहती है वो सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो है, चुनाव के बाद अगर नहीं करती तो जनता को उनको पकड़ना, जनता पकड़ना चाहिए बराबर है। इसका कोई सुनने वाला होगा या नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ। अगर इसको जरा भी बुद्धि होती, कोरोना काल में इसने एकदम लॉकडाउन कर दिया। अब क्या पब्लिक के पास खाने का भरा हुआ था, बाहर से आए इधर से आए छुट्टक मजदूरी करते थे, इनके अनाज पानी भरा हुआ था, एकदम लॉकडाउन कर दिया कोरोना काल में। अगर इसको ऐसा होता तो ये 8-10 दिन पहले बोलता कि भाई 8-10 दिन के बाद ये बीमारी देता लोगों को कि आप लोग अपना जो है जाओ बंदोबस्त कर लो, अनाज पर लो, जहाँ देश में जाना चले जाओ। ये पोजीशन ऐसी आ रही है कि अपने को तात्कालिक लॉकडाउन लगाना पड़ेगा तो पब्लिक कुछ सुधरती कुछ होती, उसमें कितने बढ़ गए। आज देखिए आज भी ये लोगों में दर्द है, आज भी लोगों में दर्द है कि नोटबंदी की भी इनको जो है असर आज भी दिखाई दे रही है, और लॉकडाउन में समय नहीं मिला इन्हें और तुरंत ही लॉकडाउन कर दिया, उसकी असर आज भी है। एक और मैं दादा से बात करेंगे हम लोग बुजुर्ग से जी। पुलिस कमिश्नर पुलिस को लिखान दिया, कॉर्पोरेट को लिखान दिया, लालू सब लिखान दिया, पेपर में जाहिर दिया, तो भी GST के पैसे कोई लेना तैयार नहीं है। हम कैसे वोट देंगे? वोट नहीं देना है, नहीं देने का। हमारे GST के पैसे दिलाओ तो हम वोट लेंगे, नहीं लेंगे। चार पार्टी आपके पास, कोई को नहीं देगा भाजपा, जो हम लोग पैसा दिलाओ तो हम वोट लेंगे, नहीं लेंगे। हमारे पूरे कुटुम्ब सगे वाले सबका वोट नहीं मिलेगा। अच्छा तो नोटा कर सकते हो आप, जो नोटा है कैसा किसी पार्टी 1200 कारीगर का कुटुम्ब सगा संबंधी आदेश पारी सबका वोट नहीं लेंगे हम। अच्छा ये आपका एक रोज हाँ, तो हम बोलते नरेंद्र मोदी को हमारा पैसा दिलाओ हम वोट देंगे, नहीं देंगे। पैसा कहाँ फंसा है आपका? हमारा 18 से 21 करोड़ रुपया पड़ा है, तो कर्जा लोग देते नहीं है। कहाँ पड़ा है? ओ हमारे जो यूनियन थे, यूनियन हाँ, तो वहाँ वो महेश ठक्कर वो सारा हिसाब करता है, वो पैसा दिलाता नहीं है। मजदूर यूनियन जो है वो हाँ? मजदूर यूनियन हाँ नहीं हाँ। मतलब आप यूनियन गए हो यूनियन आप अपने
पहले भरी गेम छू नाबत कर दू मुकुल सिया मुकुल सिया का मुकुल सिया का मुकुल सिया वो जो मर गया लेकिन उसके इंजन नेम थे वो पैसा दिलाते नहीं है। अच्छा वो पैसा देंगे तो वोट देंगे नहीं देंगे तो हमारे सगा समझी आड़ोसी पड़ोसी कोई वोट नहीं देंगे हम। आप लोगों ने उसके लिए कहीं कोर्ट में अर्जी फरियाद वगैरह तो किया होगा? कोर्ट में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में 1,21 करोड़ रुपया पड़ा है। कोर्ट में भी क्या सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि इनको इनका पैसा मिल जाना चाहिए। कोर्ट में पड़ा है सब आदेश दिया इनको इनका पैसा मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिला नहीं है। हाँ पेपर में पहले मंत्रालय ने सपाने का हाँ पहले सपाना हो हाँ मंत्रालय में मोंगवारी बेकारी के बारे में बात नहीं करेगा। अभी रूस से कम कीमत में डीजल ऑटोमोबाइल पेट्रोल तो सब आ रहा है यहाँ भाव बढ़ाएगा भाव कम नहीं करेगा। अगर इसकी जगह दूसरी सरकार होती तो इसने कितने छाजे ले लिए होते। अभी कम से कम 10-12 लाख करोड़ रुपया खा गए हैं। पढ़े लिखे का बात करता है इतने पेपर फुट पे बेचारे की उम्र निकल जाएगी फिर उसको कहाँ नौकरी देगा ये जी। चलिए यहाँ जो है दुधेश्वर विस्तार में हमने सर्वे किया उसी के अंदर ये जानने मिला यहाँ लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। कोई किसी को नोटबंदी की जो है असर अब तक नज़र आ रही है तो किसी को लॉकडाउन की असर नज़र आ रही है। एक बुजुर्ग जो हमने बात की इनका तो 22 करोड़ रुपया इनके पूरे यूनियन का फंसा हुआ है जो अब तक इन्हें नहीं मिला है और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि उनको इनका पैसा मिल जाना चाहिए। इस बार जो है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं दरियापुर की आवाम कैसे देख रही है? आपके जो मत विस्तार में बदलाव होगा या उसी विधायक को रिपीट किया जाएगा गुजरात सरकार बदलेगी या गुजरात सरकार को दोहराया जाएगा? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा कंफ्यूज है ना इस बार जनता? चार पार्टी दावेदार है कौन किसे वोट दे? पहले भाजपा और कांग्रेस थी के बीच लड़ाई होती थी अब तो चार लोग हैं इसमें कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ये बढ़िया आपने जो एक बेसिक समस्या जो है गुजरात के वोटर्स की वही बता दी कि कुछ कह नहीं सकते सारे एग्जिट पोल ओपिनियन पोल सारे गलत साबित हो सकते हैं लास्ट एंड मोमेंट पे कौन कितने मत ले जाएगा वो कोई पब्लिक जो बोले वो लेकिन लास्ट में मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा पहले हाँ। पहले कांग्रेस और जनता थी भाजपा था अभी चार है चार और इसमें आप बहुत जोर लगा रही है। अच्छा केजरीवाल बहुत जोर लगा रहे हैं क्या जोर लगाया उन्होंने मत के लिए? मत के लिए क्या मतलब कोई वादे आपको किए? वादे तो बहुत किए ने कैसे? सब लोग करते हैं वादे। इन्होंने क्या वादे किए? इन्होंने तो वादे किए ने यूनिट के वादे किए नौकरी के वादे किए। अच्छा सब प्रश्नों का हल कर देंगे ऐसा बोला नहीं। विश्वास है आपको हो जाएगा? विश्वास तो किसी पे नहीं है किसी पे नहीं है पर एक को तो चुनना पड़ेगा। हाँ किसी को एक को चुनना पड़ेगा ना। चुन लोगे आप किसी एक को? हाँ चुनना ही पड़ेगा ना। तो वो फिर 8 दिसंबर ही बताएगी कि ये अब इनका जो है वोट किसे गया किसे चुन रहे हैं ये लोग। इनका कहना भी बहुत सही है कि चार पार्टी दावेदार है जनता और यहाँ की जो आवाम है कंफ्यूज है कि इस बार जो है किसकी सरकार बनने जा रही है और किसे कितना वोट मिलेगा। आम आदमी भी है असदुद्दीन ओवैसी भी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच एक समय था गुजरात में लड़ाई होती थी और जो है दो पार्टी दावेदार होती थी इसकी बार अब की बार जो है चार पार्टी दावेदार है जनता काफ़ी कंफ्यूज है। और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कहना है इसने विरोध पक्ष को अभी विरोध पक्ष को एक हो के कम ज़्यादा सीट करके और एडजस्ट करे तो इससे लड़ सकते हैं कि किस लिए कि इसके पास विश्व हिंदू परिषद है भाजपा RSS है और बजरंग दल है समझ लो 10 वोट में से 4 वोट तो इसके फिक्स हो गए अब बचे 6 वोट अब 6 वोट पर 2-3 वोट तो होते ही नहीं है अब 2-3 होंगे तो आप ले जाएगा कांग्रेस ले जाएगा अपक्ष ले जाएगा इसके सामने कहाँ टिक सकेगा। तो इसमें विरोध पक्ष को थोड़ी कम ज़्यादा करके और पहले से संगठन करेंगे तो राम अगर अकेला लड़ सकता था रावण से फिर भी उसने बंदर सेना का सहारा लिया था नहीं लड़ सकते। आप बड़ा समीकरण समझाने जा रहे हैं जनता को आपका कहना है कि 3-2-3 जो पार्टी विरोध पक्ष की है उनको मिल जाना चाहिए उनको मिल जाना चाहिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अब समझ लो कि अच्छे दिन आएंगे गैस सिलेंडर 500 मिलता था आज 1100 में मिल रहा है और उज्ज्वला योजना में अमुक जनों को स्टर दिए पर ये छिल रहा है सबको जिसको दिए उसको भी नहीं छिल रहा है उसको डायरेक्ट बेनिफिट बिचौलिया कोई नहीं अब डायरेक्ट भाजपा मतलब बात का जो है समर्थन तो ओवैसी कब के दे चुके हैं यूपी में भी उन्होंने समाजवादी को कहा था कि हम मिल के लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इस बार ओवैसी ने कांग्रेस को भी कहा है हम मिल के लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे
भाईजान के साथ कोई बैठने तैयार नहीं हो रहा, आप जनता को क्या मैसेज दोगे ओवैसी के साथ मिल के लड़ा जाए? जनता को हम यही कह रहे हैं कि भाई सबको तुम अपने जो खड़ा है जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल कांग्रेस उनको फोर्स करो कि भाई सीट के अंदर तुम बंटवारा थोड़ा करो कम ज़्यादा, फिर नेक्स्ट टाइम पे उसको हट जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे अपनी रीत से लड़ते रहो। पाँव में कांटा लगा हुआ है तो उसको तो निकालोगे थोड़ा दर्द होगा, बाकी फिर पाँव अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह इसको हटाने के लिए यही करना पड़ेगा। ये बांटता है तो रेवड़ी नहीं है, विरोध पक्ष बांटेगा तो रेवड़ी है। वो रेवड़ी कर रहे बोले रेवड़ी कल्चर, वो विकास कैसे करेगा? ये विकास तो नहीं विनाश ही कर रहे हैं। अब मंदिर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो रोड के ऊपर गरीब इंसान रोड के ऊपर क्या रोजी रोटी ढूंढने जाएगा? मंदिर बना रहे हैं तो आप पैसे कमाएगा तो जाएगा नहीं? अच्छे अच्छे बना दिए हैं, ऐसे करें तो लखपति करोड़पति जाएंगे, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? वो बड़े बुजुर्गों को जो रेलवे में कंस्ट्रक्शन मिलता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, महंगाई बहुत हो गई भाई, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? सरकार आएगी तो अच्छी आएगी। आपको सबको मिलके आवाज उठानी, एकजुट होकर आवाज उठानी भाई। क्या करते हो आप? रिक्शा चलाते। अच्छा, रोजगार कैसा है आपका? ठीक है, चलता रहता है। चलता रहता है, महंगाई से परेशान? महंगाई से परेशान है। तेल देखो कितना महंगा, चक्कर महंगी, दाल महंगा, चावल महंगा, कितनी महंगाई है। रोड बना दिए, ओवर फ्लो बना दिया, हमारे पास तो फोर व्हील नहीं, हम कहाँ ओवर फ्लो पे जाएंगे, कहाँ रोड पे जाएंगे? तो वो विकास आपको नहीं, 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 वो विकास नहीं चाहिए आपको। विकास ये चाहिए कि जो महंगाई ना नड़े, तेल का पैसा कम करो, दाल का पैसा कम करो, पेट्रोल में कम करो। सिलेंडर का भाव देखो 1100 रुपया अभी हो गया, क्या जलाएंगे? 15 दिन में सियाले में खत्म हो जाता है। महंगाई का चक्कर लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, सरकार चेंज हो जाएगी महंगाई के चलते? सरकार तो नहीं चेंज होगी, तो ऐसे सबके मुंह पे मोदी मोदी जी आजकल, फिर भी चेंज नहीं नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा, मोदी जाएगा, मोदी जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सीटें आएगी, सीटें आएगी, 5-10 सीटें आएगी, आम आदमी की आएगी, कांग्रेस की आएगी। आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पे चोरी कर रहा है, क्या हुआ? ईवीएम पे चोरी कर, हाँ कौन चोरी करता है ईवीएम के वजह से? वो तो अपने को उतना ज्ञान नहीं है, तो अपने को नहीं है, अपने को ज्ञान नहीं है। चलिए, तो ये थी यहाँ की जो आवाम दुधेश्वर दरियापुर विधानसभा के मत विस्तार की आवाम थी, जिनसे हमने बात की। किसी को जो है महंगाई नड़ रही है, किसी को है अपना रोजगार के लिए कामकाज नहीं है, नहीं चाहिए इनको ऐसा विकास जो यहाँ ओवर ब्रिज बना हुआ हो, जहाँ पर कोई ब्रिज बना हुआ हो, जहाँ पर कोई गार्डन बना हुआ हो। इनको जो है कहीं किसी को ईवीएम की समस्या है, तो किसी को महंगाई की, सिलेंडर की, दाल आटा गैस सिलेंडर की जो है महंगाई नड़ रही है। अब जो है जनता परिवर्तन चाहती है, फिर भी इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट तो होगी, हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा।